दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुली और आईफोन वाली चुड़ैल का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी पूरी तरीके समझ में नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी है। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में देखा था गुल्ली बुली सोन एक सेकेंड हैंड आईफोन खरीदते हैं, लेकिन जब गुल्ली आईफोन लेके घर आता है तो आईफोन वाली चुड़ैल आके गुल्ली का गला दबा देती है और फिर वो चुड़ैल गुल्ली को वहाँ से घसीट के लेकर जाने लगती है। तभी सोन की आंखें खुल जाती है और वो उस चुड़ैल पे डंडे से हमला कर देता है और फिर चुड़ैल वहीं पे गिर जाती है और गायब हो जाती है। गुल्ली बुल्ली सोन उस चुड़ैल का पता लगाने के लिए पुराने कब्रिस्तान के पास चले जाते हैं, जहाँ पर उस आईफोन बेचने वाला का घर है। और अब आगे देखिए। गुल्ली बुली और सोन उस घर के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। गुल्ली बोलता है, इस घर के बाहर तो एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है। बुल्ली बोलता है, ओ चूना लगा दिया। सोन बोलता है, हमें इस ताले को तोड़ के अंदर जाकर देखना चाहिए कि आखिरकार क्या माजरा है। सोन वहाँ पर पड़ा हुआ पत्थर उठाता है और ताले को तोड़ने लगता है। ताले को तोड़ते समय अंदर से बहुत डरावनी डरावनी आवाजें आती है। गुल्ली बोलता है, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। तीनों तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। गुल्ली बोलता है, अंदर तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है। सोन बोलता है, कुछ भी गड़बड़ हो मुझे तो इस राज का पता लगाना है। और फिर ये बोल के सोन ताला को फिर से तोड़ने लगता है। ताला जैसे ही टूटता है सारे लोग उस घर के अंदर चले जाते हैं। सोन बोलता है, अंदर तो कुछ भी नहीं है तो ये आवाज कहाँ से आ रही थी। गुल्ली बोलता है, हमें इस घर की तलाशी लेनी चाहिए। सोन बोलता है, इस घर में तलाशी लेने के लिए है ही क्या, यहाँ पर तो बस एक बड़ा सा डब्बा पड़ा हुआ है, तो देर किस बात की, खोल दो इस बॉक्स के ढक्कन को। गुल्ली इस डिब्बे को खोलने लगता है। उस डिब्बे के खुलते ही उसमें से एक चुड़ैल निकलती है। सारे लोग उस चुड़ैल को देख के भागने लगते हैं। गुल्ली सोन से बोलता है, गाड़ी जल्दी से स्टार्ट कर। सारे लोग उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। सोन गाड़ी को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन गाड़ी तो स्टार्ट हो ही नहीं रही। चुड़ैल तो धीरे धीरे उन तीनों के पास ही आ रही है। बुल्ली जोर से चिल्ला के बोलता है, सोन जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो, वो चुड़ैल हमारे पास ही आ रही है। सोन बोलता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है बुल्ली, लगता है कि पेट्रोल खत्म हो चुका है, अब तो एक ही उपाय है यहाँ से भागने का। सारे लोग गाड़ी छोड़ के वहां से भागने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल आती है और गुल्ली बुल्ली की गाड़ी को पलट देती है। सारे लोग एक बार फिर से उसी पुराने घर में चले जाते हैं और दरवाजा को अंदर से बंद कर देते हैं। वो चुड़ैल तो धीरे धीरे उस झोपड़ी के पास ही आ जाती है। गुल्ली बुल्ली उस बॉक्स को घसीट के दरवाजे के पास रख देते हैं जिससे कि चुड़ैल ना आ पाए। वो चुड़ैल तो दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन डिब्बे के वजह से वो दरवाजा नहीं खोल पाती। थोड़ी देर बाद दरवाजा खोलने की आवाज़ बंद हो जाती है। सोन बोलता है, लगता है कि वो चुड़ैल चली गई, हमें आज इसी घर में रात बितानी होगी। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी वो चुड़ैल खिड़की से अंदर आने लगती है। सोन बोलता है कि ये चमगादड़ की बच्ची इधर से भी आ रही है। गुल्ली दौड़कर जाता है और वहां पर पड़ा डंडा उठाकर उस चुड़ैल को मारने लगता है। सोन बोलता है कि लगता है कि उस चुड़ैल को कुछ ज्यादा ही डोज पड़ गया, अब वो नहीं आएगी। सोन खिड़की से झांक कर इधर उधर चुड़ैल को देखने लगता है। तभी वो चुड़ैल सोन पर हमला कर देती है और सोन को खिड़की से खींच के बाहर लेकर चली जाती है। गुल्ली बुल्ली को ये सीन देख के तो होश उड़ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली दौड़ कर जाते हैं और उस बॉक्स को हटा के घर के बाहर जाकर सोन को खोजने लगते हैं। सोन तो कहीं भी नहीं दिखता। गुल्ली रोने लगता है। बुल्ली गुल्ली से बोलता है, गुल्ली तुम अपने आप को संभालो, सोन हमारा शेर पुत्र है, सोन को कुछ भी नहीं हो सकता। तभी उस घर के छप्पड़ पे से कुछ आवाज आने लगती है। गुल्ली बोलता है, लगता है कि वो चुड़ैल सोन को ऊपर लेके गई है। बुल्ली बोलता है, जल्दी से ऊपर जाने का कुछ इंतजाम करो। बुल्ली इधर उधर देखता है, उसे एक सीढ़ी दिखता है। बुल्ली उस सीढ़ी को उठाता है और घर के नीचे लगा देता है और दोनों को इस सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों, आखिरकार क्या होगा, क्या गुल्ली बुल्ली सोन को बचा पाएंगे या फिर वो चुड़ैल सोन को मार देगी, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो के पार्ट 3 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शॉर्ट आउट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शॉर्ट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।